बाईस जनवरी को अयोध्या में रामलला अपने मूल मंदिर में विराजेंगे 18 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू होगा यूं तो इस दौरान कई कार्यक्रम होंगे लेकिन जो उसमें सबसे खास कार्यक्रम है वो है सूर्य तिलक यानी बंद कमरे के बीच में गर्भ जो गर्भगृह है वहां पर सूर्य की किरणें रामचंद्र की जो मस्तक होंगे उनका तिलक करेंगी तो सवाल इस बात का है कि ये आखिर वो कौन सी विधि है कौन सी टेक्निक है जिसके जरिए जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधे गर्भगृह तक पहुंचेंगी और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बी एच की प्रोफेसर अनिता मोहन जी मैम ये कैसे संभव है कि एक बंद ये कमरा है मान लीजिए यहाँ पर रामलला की जो मूर्तियां हैं वो विराजमान रहेंगी और वो कौन सी टेक्निक होगी जिसके जरिए जो सूर्य की कीड़े हैं वो सीधे रामलला का तिलक करेंगी ओके ये एक बहुत ही साधारण सा फिनोमेना है मैं बिल्कुल बेसिक तौर पे बताऊंगी कि जो आम जनमानस समझ सके बचपन से साइंस में ऑप्टिक्स जो की है ये जो टॉपिक है ये उस पर आधारित है प्रकाश की किरणें जो होती है वो हमेशा सीधी रेखा में चलती हैं और अगर किसी सरफेस पर पड़ती है जिस भी एंगल पर वो पड़ती है उसी एंगल पे पर वो परावर्तित होती है तो आप एंगल और परावर्तित एंगल बराबर होते हैं तो इसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शंस का खेल है और कुछ नहीं है सिंपल सी विधि है कि प्रकाश की किरणें जो सीधी रेखा पे आ रही है उनको मोड़कर डिफरेंट मिरर्स लगाकर उनको डिफरेंट डायरेक्शन में मोड़कर कर रामला जी के मस्तक तक पहुंचाना है तो क्योंकि प्रकाश की किरण तो उसको प्रकाश तिलक का नाम दिया जा रहा है क्या यही सूर्य तिलक सूर्य तिलक सूर्य तिलक का नाम दिया जा रहा है क्योंकि सूर्य की किरण गर्भगृह में मौजूद हमारे प्रभु श्री राम जी का मस्तक इसको चित्रों के माध्यम से जरा आप हमें समझाने की कोशिश करें कि कैसे गर्भगृह के अंदर जो मान लीजिए सूर्य है और कैसे वो गर्भगृह के अंदर तक पहुंचती है जी जी बिल्कुल मैं बताने की कोशिश करती हूँ जैसे कि हमें हमारे प्रभु श्री राम का मस्तक ये है ये उनका मस्तक है प्रभु श्री राम का मस्तक है ये और जो है तो हमें प्रकाश की किरणें यहाँ पर पहुंचानी है हमारा ये पूरा महल है पूरा मंदिर है जिसमें डिफरेंट अंगूर है मोटी मोटी दीवारें हैं तो दीवारों को भेद कर तो सूर्य की किरणें अंदर नहीं आ सकती हैं तो उनको बाहर जो सूर्य चमक रहा है उसको किसी उसकी किरणों को किसी ट्यूब के अंदर ले जाकर क्योंकि तो सीधी रेखा में चल रही है और उसके अंदर ही अंदर कई तरह के मिरर्स अलग अलग एंगल पे मिरर लगाकर उनको रिफ्लेक्ट करके अल्टीमेटली हमें प्रभु श्री राम के मस्तक तक पहुंचाना है उदाहरण के तौर पे यहाँ से अगर हमें प्रकाश लिया ये हमारा जैसे एक ट्यूब है इसके अंदर ये प्रकाश की किरण आ रही है हमें यहाँ तक पहुंचाना है प्रकाश पूरा मंदिर है हमें दीवार के अंदर कहीं गैप बना के ये पाइप लेके जाना है और हमें जैसे यहाँ पे हमने एक मिरर लगा दिया है पैतालीस डिग्री के कोण पर यहाँ पे प्रकाश की किरण पड़ी इसका ये ये लंब लंब है इस एंगल पर पड़ती है तो इस एंगल पे परावर्तित हो जाएगी ये फोर्टी फाइव है तो ये पूरा एंगल नाइन्टी डिग्री हो गया अभी प्रकाश की किरण यहाँ आ रही है ठीक है इसमें बहुत सारी दीवारें होंगी बहुत से अवरोध होंगे तो हम पाइप को उसी तरह से मोड़ के और डिफरेंट एंगल्स पे मिरर लगाकर लेकर जाएंगे जैसे प्रकाश की किरण जैसे हमारी यहाँ पर आ गई सीधे चल रही है अभी मैं सिंपल सा बता रही हूँ बहुत अवरोध होंगे तो अलग अलग एंगल पे हमको करना पड़ेगा ये प्रकाश की किरण यहाँ तक आ गई लेकिन हमें यहाँ पे पहुंचाना है सूर्य की किरणों को प्रकाश की किरणों को यहाँ पे पहुंचाना है यहाँ पे आया अगेन हमको लगता है कि यहाँ पे हम एक मिरर लगाएंगे यहाँ पे प्रकाश की किरण पड़ी ये लंब है इस एंगल पर पड़ी थीटा पर तो ये ये किरण परावर्तित होगी इस एंगल पे थीटा पर ये यहां पे आके ये यहां पे परावर्तित होगी ये किरण फिर हमने अपनी ट्यूब को फिर उसी हिसाब से मोड़ा हमारी प्रकाश की किरण यहाँ आ रही है ये सब लेकिन हिडन होगा अंदर ही अंदर होगा क्योंकि सुंदरता भी बनाए रखनी है जो इतनी मेहनत से हमारे कलाकार वर्षों से काम कर रहे हैं तो उसको ये सब हिडन होगा ट्यूब्स जो भी होंगी अंदर ही ये अंदर ये मिरर लगे होंगे अभी हमें ये वाली प्रकाश की किरण जो यहां तक आ चुकी है इसको प्रभु श्री राम के मस्तक तक पहुंचाना है फिर यहाँ पे हम एक फिर से मिरर लगाएंगे यहाँ पे प्रकाश की किरण पड़ी फिर ये लंब है और यहाँ इस एंगल पर पड़ी है तो इस एंगल में परावर्तित होकर ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट होके मस्तक तक पहुंच जाएगी मतलब अगर तो हम ये तौर पे समझाने की कोशिश करें तो ये पूरा जो ब्लैक बोर्ड है ये राम मंदिर का गर्भगृह है गर्ग्री और गर्भगृह के ऊपर मतलब जो बिल्डिंग है उसके ऊपर में ये मान लीजिए सूर्य है और सूर्य की जो किरणें हैं एक पाइप के जरिए पहले गर्भगृह के अंदर अंदर लाई जाएंगी जी। बिल्कुल और डिफरेंट एंगल पे मिरर्स लगा के ट्यूब के अंदर ही अंदर उनको परावर्तित किया जाएगा अनेक क्योंकि ये बहुत मल्टीपल मिरर्स होंगे केवल क्योंकि ऐसे 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 ऊपर नीचे कहीं भी जा, लेके जा सकते हैं ना जहां जहां जगह मिलेगी और ट्यूब उन... का इस्तेमाल होगा या कुछ शीशे लगे होंगे कुछ शीशे तो अंदर होगा ना और क्या उन्होंने किस तरह से डिजाइन किया है वो हमें तो नहीं मालूम वो तो जब पहुंचेंगे और ये सब छुपा होगा ये सब दिखा, दिखाई भी नहीं देगा hmm. लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल है जिस पर कि हमारा सूर्य तिलक आधारित है कैसे एक जगह से प्रकाश घूमता हुआ डिफरेंट दि, दि, प्लेसेस से होता हुआ प्रभु श्री राम के मस्तक तक तो पहुंच गया बेसिक फिनोमिना मैंने बताया सिंपल परावर्तन का फिनोमिना है जिससे ये प्रभु श्री राम का इसको क्या मैकेनिज्म इसको क्या बोला जाता है ऑप्टो मैकेनिकल सिस्टम ऑप्टो मैकेनिकल ऑप्टो ऑप्टिक्स दैट इज प्रकाश और मैकेनिक्स पूरी मैकेनिक्स इन्वॉल्व है इसमें मतलब तो संभव इन... है कि किसी बंद कमरे के अंदर भी जो सूर्य की किरणें हैं वो आ सकती हैं बिल्कुल संभव है और ये हम सब देखेंगे बल्कि कई लैब वगैरह में भी अगर आपने देखा होगा कि आ... इवन मेडिकल साइंस में भी होता है कि ट्यूब के जरिए लाइट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाए कैमरे होते हैं इस तरह के उसी फिनमिना पर यह आदत है बिल्कुल संभव है और जो कि हम लोग अगर 22 को तो देख ही लेंगे पूरा दुनिया देखेगी हम ही लोग क्या ही हमारा है हमारा सौभाग्य है पूरी जनता क्या क्या है मोटे तौर पर अगर उसमें व्यवधान की बात करें तो सबसे ज्यादा कठिनाई क्या है परेशानी क्या है जो आप लोग के सामने भी आ सकती है इस तरीके की उसमें इस तरह में तो यही है क्योंकि इतनी बड़, इतना विशाल इतना विशाल ये बना हुआ है महल जिसे कह लें मंदिर कह लें तो उसमें कहाँ कहाँ कैसे कैसे ओपनिंग दी जाए सो so देट कहीं लीकेज भी ना हो क्योंकि हमें पाइप ट्यूब डालने में ये सब भी देख रहे होंगे इतने सारे कलाकार और हमारे लोग लगे हुए हैं इसमें बहुत डिफरेंट तो फील कर कितने पाइप्स और कितने उसमें ये तो नहीं मैं मैं नहीं बता सकती क्योंकि कितना बड़ा भवन है ये उसका अनुमान हमको नहीं है लेकिन डेफिनेटली इसमें बहुत मतलब कमरे की साइज के हिसाब से और उसकी ऊंचाई कितनी है ये ऊंचाई और आप जैसे कि बता रहे हैं कि अभी कई मंजिलें और बनेंगी तीसरी मंजिल तक जाएगा तो हमें बिल्कुल ऊपर से प्रकाश को बिल्कुल गर्भ तक पहुंचाना है कितने कितने तरह के मोड़ आएंगे उसमें कहाँ कहाँ मोटी दीवारें होंगी पार तो करके यानी जो छत है वहाँ पर कुछ छेद किया करना होगा देखिए कैसे होगा ये जरूरी नहीं है कि छत में छेद किया जाए दीवार में साइड में छेद करके पाइप ला सकते हैं फिर वहां से पाइप को ऊपर क्यों ले जाएंगे मतलब जैसे कि हमें बताएं अगर ये छत पे छेद करना तो फिजिबल नहीं होता क्योंकि पानी बारिश कितना कुछ होता है तो अगर ये मेरी दीवार है तो मैं दीवार में यहाँ पे ओपनिंग करूंगी ये यहाँ पे छेद करना चाहूंगी है फिर ये मेरा पाइप है फिर हम इसको यहाँ पे ये कर दे यहाँ पे भी एक मिरर लगा देते हैं यहाँ से प्रकाश आ रहा है फिर इधर से चला गया छत से डायरेक्ट ना लाके ये चीज रोंग होगी और यहाँ से प्रकाश लाके साइड से हम एंटर कराएंगे इधर आ गया और ये यहाँ चला गया तो छत से तो मुझे नहीं लगता वो होगा साइड से ही कहीं से एंट्री मिलेगी प्रकाश को जो कि डिफरेंट ट्यूबिंग के तहत होते हुए डिफरेंट एंगल्स पे होते हुए मल्टीपल रिफ्लेक्शंस को पार करते हुए प्रभु श्री राम के मस्तक तक पहुंचक तक तो पहुंचेंगी और उसी का जो इंतजार है वो हर राम भक्त को है राम भक्त ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर सूर्य तिलक कैसे होगा बंद कमरे के बीच में गर्गृह बना हुआ है और वहां तक कैसे सूर्य की किरणें पहुंचेंगी और इसको जो बना जो भारत के वैज्ञानिक है वो कर दिखाया है और निश्चित तौर पर जब सूर्य की सूर्य तिलक होगा तो उस पर हर किसी की निगाहें होंगी वाराणसी से विशेष पांडे के साथ आशुतोष सिंह टाइम्स नाव नव भारत रलता रहता है तो जैसे हमारी ओपनिंग तो एक ही जगह नहीं लेकिन है। उसमें यह है कि रामनवमी के दिन एक खास समय पर ही वो चीजें होंगी अच्छा रामनवमी के दिन ही खास हाँ, पर पर ही है। प, 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 हर साल जो रामनवमी का दिन होगा उसके आ, एक खास मुहूर्त होगा जिस समय ये सूर्य तिलक किया जाएगा हाँ तो वो इसीलिए क्योंकि उस समय जो सूर्य की स्थिति होगी क्योंकि गणना की होगी हमारे ज्योतिषाचार्यों ने पूरी गणना के आधार पर कि उस समय सूर्य किस एंगल पर किस दिशा में विराजित होंगे किस कितने समय पे इवन एक एक सेकंड का कैलकुलेशन होगा तो वहां पे हमारा पूरा सिस्टम वहीं पे लगाया गया होगा कि वहां से प्रकाश होते हुए पूरे सिस्टम के अंदर से होते हुए जो मैकेनिकल सिस्टम है डिफरेंट रिफ्लेक्शन से होता हुआ मस्तक तक पहुंचेगा प्रकाश तो ये पूरी गणना करके ही ये सारा कुछ किया गया है जी सूर्य देव हो गए और ये है प्रभु श्री राम यहाँ तक जी अब जो सूर्य की किरणें होंगी वो यहाँ से होते हुए वो सीधे प्रभु राम के मस्तक मतलब सीधे ये भवन है कहीं पे बीच में दीवार आ गई कहीं कंगूरे आ गए तो हो सकता है कि इसको ऊपर मोड़ना पड़े ट्यूब को किसी और एंगल पे ले जाके मतलब घूमते फिरते डिफरेंट मल्टीपल रिफ्लेक्शन इसीलिए मैंने कहा कि केवल एक या दो मिरर से नहीं पूरा काफी लंबा चौड़ा ये किया गया होगा कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन से होते हुए हो यहां तक पहुंचेगी और जैसे कि आपने बताया कि एक पर्टिकुलर डे रामनवमी के दिन होगा सूर्य की स्थिति क्या होगी उस समय पूरी गणना के आधार पे कि उस समय वहां से जो हम हमने ओपनिंग दी होगी वहां पे प्रकाश एंटर करेगा और फिर पूरे हमारा जो ऑप्टो मैकेनिकल सिस्टम है इससे होता हुआ प्रभु श्री राम के मस्तक तक पहुंचेगा तो ये सूर्य तेला किस तरह से होगा तो हम सब क्या कर... इसके पहले भी इस तरीके की चीजें होती रही हैं क्या देखिए इस... या आप लोग के रिसर्च में, रिसर्च में रिसर्च में मेडिकल साइंसेज में बहुत सारे होते हैं कैमरे के ट्यूब्स के थ्रू लाइट होके अंदर हम बॉडी के अंदर कैसे देखते हैं ये सब कैसे देखते हैं बॉडी के अंदर तो लाइट नहीं जाती है ये सब ट्यूब्स के जरिए ही देखा जाता है लाइट उनके थ्रू ट्यूब्स अंदर जाती जो कैमरे होते हैं अंदर से कैसे पिक्चर्स आपने देखी होंगी अंदर की भी है ना तो अब तो जो सर्जरी हो रही है जो विदाउट कटिंग जो सर्जरी होती है जिसको कौन सी ये ट्यूब डाल के की जाती है अंदर बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं तो वो इसीलिए क्योंकि लाइट की जरूरत भी होती है पूरे कैमरे के थ्रू लेजर के थ्रू जो होती है हाँ तो ये सारे काम होते रहे हैं तो लेकिन क्योंकि ये तो उसी टेक्निक का इस्तेमाल यहाँ भी किया जाए टेक्निक तो वही है बेसिक टेक्निक इज नॉट गोइंग टू चेंज साइंस जो है वो वही वो है लेकिन किसी मंदिर में इस तरीके की टेक्निक पह, इसके पहले आ, भी इस्तेमाल हुई है इस तरह से तो हमने नहीं सुना कि सूर्य का तेला किस तरह से पूरा सिस्टम बना के किया गया होगा एक साउथ में हमने एक मंदिर के बारे में कई बार है की साल के किसी एक खास दिन सूर्य उसकी स्थिति ही इस तरह से कि नेचुरली सूर्य की लाइट जो है मंदिर के अंदर प्रवेश करती है किसी एक पर्टिकुलर डे पे लेकिन इसमें तो पूरा सिस्टम बना के स्पेशली स्पेसिफिकली मस्तक पे पहुंचाया जा रहा है वो तिलक उसको फोकस किया जा रहा है तो ये एक अद्भुत है और बहुत सुंदर मतलब अध्यात्म और विज्ञान का एक अनोखा अनूठा संगम भी देखने को मिला अनूठा संगम अनूठा संगम है अध्यात्म और हम सब भक्तों के लिए भक्त क्या देशवासियों के लिए तो वो प्रभु श्री राम तो शाश, शाश्वत हैं तो हम सब देशवासियों के लिए गौरव की बात है कि इस तरह का ये हो रहा है और बहुत उत्सुकता बनी हुई है कि कब हमें इसके दर्शन मिलेंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और हमें इस बारे में बोलती हूँ धन्यवाद प्रसन्नता हुई है